सो इसके पहले सबसे पहले इंटरफेस देखते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग यहाँ पे जो डिफॉल्ट मोड आता है वो परफॉर्मेंस मोड आता है, ठीक है। सो जैसे आप लोड करते हो ना तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड में आता है, आपको यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट में जाना है। व्हाई? बिकॉज फिलहाल रिकॉर्ड बॉक्स हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो इस चीज के लिए यूज करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग एक एल्बम या गाने इसके अंदर हम लोग डालेंगे, इसमें इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ पे वो पूरे ट्रैक्स को एनालाइज करेगा रिकॉर्ड बॉक्स, एंड देन हम लोग वो पूरे ट्रैक को अपने पेन ड्राइव में एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग अपने कंसोल पे उसको रिकॉर्ड बॉक्स के थ्रू प्ले कर सकते हैं। एंड जो फंक्शंस आपको मालूम है कि पेन ड्राइव में अगर यहाँ से एनालाइज किए हुए गाने अगर हमने कंसोल पे यूज किए तो उसमें मेनू के वजह से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं बीपीएम वाइज, अल्फाबेटिकली वाइज। और दूसरी चीज जो हम लोग यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं, आप जैसे ही गाना प्ले करते हो तो यू कैन सी द बीपीएम इमीडिएटली, द ग्राफ इमीडिएटली। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट रिकॉर्ड बॉक्स 6 इज उसके अंदर 3 बेसिक ग्राफ्स आते हैं, ठीक है। सो लेटर ऑन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कंट्रोलर, अगर आपने जब भी कंट्रोलर लिया तो आप परफॉर्मेंस मोड में उसको स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि लैपटॉप में परफॉर्मेंस मोड आपको काम में आएगा, बिकॉज यू डोंट हैव टू प्ले क्यू एंड देन स्लाइडर वगैरह आपने लैपटॉप में नहीं होता है। और एनी मिडी डिवाइस अगर आपके पास है तो वो हो जाएगा जहां पे आपके पास स्लाइडर्स वगैरह है। बट देन अभी हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, हम लोग आपके गाने जो नॉर्मल है आपके कोई भी फोल्डर में उसको हम इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पे, और रिकॉर्ड बॉक्स में देखेंगे कि हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो रिकॉर्ड बॉक्स में जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने गाने, अपने जितने भी गाने, फॉर एग्जाम्पल देर आर 5,000 ट्रैक्स और मे बी 1,000 ट्रैक्स, तो आप कैसे अपने एल्बम्स को या अपने फोल्डर्स को बना सकते हो, प्लेलिस्ट कैसे डिजाइन कर सकते हो। यू नो दैट कि हर एक म्यूजिक जॉनरा अलग है एंड जरूरी नहीं कि आपको बीपीएम वाइज ही प्ले करना है। बट देन अगर एनर्जी वाइज हम लोग सेट बना सकते हैं ताकि क्लब्स में वो काम में आए, या कोई भी शो पे अगर आप प्राइवेट कर रहे हो कोई वेडिंग वगैरह के लिए तो वहां पे मोस्टली सब ओरिजिनल ट्रैक्स चलता है। तो कैसे आप अलग अलग बायफोकेट कर सकते हो और उस समय पे जिस समय पे शो है उसमें कम से कम समय मिले आपको यू नो ब्राउज करने के लिए और गाना अंडरस्टैंड करने के लिए। ऑलराइट, क्लियर है? ओके, यस सर। ओके, लवली। सो नाउ लेट मी टेक द टूर ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ओके, सो सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पे ऊपर लेफ्ट और राइट है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जूम दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट एंड राइट जो है ये है आपका नेक्स्ट, मतलब प्रीवियस एंड नेक्स्ट ट्रैक जो हमको यहाँ पे फिलहाल करना नहीं पड़ेगा। दिस इज योर बीट जंप, मतलब आप 4 बीट को जंप कर सकते हो। आप यहाँ पे उसका रेशियो भी चेंज कर सकते हो कि अगर आपको 8 बीट्स जंप करना है, लाइक 4 बीट इज 1 बार, यू नो दैट वेरी वेल। बट देन ये भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, वी कैन डेफिनेटली डू इट मैन्युअली मोर फास्टर। ओके, एंड दिस इज योर क्यू पॉइंट। ये क्यूइंग कब काम में आएगा, जब आपका कोई गाना यहाँ पे है एंड आपको हॉट क्यूज बनाने हैं या आपको मेमोरीज बनानी है, देन दिस बटन विल मोस्टली कम इन हेल्प टू यू। ओके, एंड यहाँ पे जो आपके क्यू लूप्स वगैरह है, ये आपको ए बी सी डी वगैरह दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ। नाउ नेक्सस 2000 जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, एकेडमी पे, वहां पे 3 हॉट क्यूज हैं, ठीक है, दैट इज ए बी सी, राइट। बट देन अगर नेक्सस 2 को अगर देखोगे तो उसमें 8 हॉट क्यूज। ओके, एंड अगर आपने कोई कंट्रोलर भी लिया, लाइक फॉर एग्जांपल डीडीजे 400, ओके, और आरएक्सजेड और एनी कंट्रोलर जो भी आजकल आते हैं जिसमें सीडीज नहीं है, नाउ एक्सडीजेस एंड दीस कंट्रोलर्स आर मोस्टली विदाउट सीडीजेस and that is directly connected to your record box or a Serato player. So usme sab mein hot cues hai, you have sampler, you have your hot cues, beat juggling, beat loop, ye alag alag loops vagera uske andar aate hain, but then abhi hum log uske bare mein baat nahi kar rahe, hum log abhi baat kar rahe hain a b c d jisme 8 hot cues aap bana sakte hain. Then jo main recommend karta hu aapko, आप जब भी हॉट क्यूज बनाएं आप उसी प्लेस पे मेमोरीज भी बनाइए। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई प्लेस लिस्ट से अपना कोई गाना ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये गाना है मेरे पास और मैंने इसको ऊपर ड्रैग किया, ओके, एंड मुझे यहाँ पे हॉट क्यू बनाना है। सो आई जस्ट प्ले दिस ट्रैक।
आपको आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा है, करेक्ट। मैं ये यहाँ पे सेटिंग है, इधर वापस से दिखा देता हूँ। इधर आपका सेटिंग बटन है जहाँ पे आपको अपना ऑडियो दिखाना है। अगर आपका पीसी है या अगर आपका साउंड कार्ड है घर पे, तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो ऑडियो किससे आना है। तो मैं फिलहाल मैकबुक प्रो स्पीकर से ही हूँ, तो मैं उसी के थ्रू आपको बता सकता हूँ, ठीक है? सो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग दी मैकबुक प्रो स्पीकर्स। ऑलराइट, सो लेट मी प्ले अगेन। ओके आवाज आ रहा है? ठीक है, लेट मी टेक दिस। आ रहा आवाज? यस ओके। तो फॉर एग्जांपल, मुझे अगर यस यहाँ पे हॉट क्यूज बनाना है, तो मैं हाँ सबसे पहले इसको पीछे लेके जा सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए, इसका जो मेमोरी बना है वो यहाँ पे है, और जहाँ पे बीट नहीं है। सो आई वॉन्ट दिस ट्रैक टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, तो मैं इसको यहाँ पे क्यूइंग कर सकता हूँ। सबसे पहला मैं यहाँ पे हॉट क्यू बना देता हूँ। जैसे मैं हॉट क्यू करूंगा, आपको देखेंगे यहाँ पे हॉट क्यू में आपको टाइमिंग मालूम पड़ेगा कि इट इज 00.01 सेकेंड में आपने एक हॉट क्यू बनाया है। एंड सेम मेमोरी हाँ अगर मैं करूंगा, तो मेमोरी आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे देखिए 000 आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे मार्क हुआ क्योंकि मैंने इस पोजिशन पे क्यू पॉइंट नहीं बनाया था। ओके, सो मैं इसको ओके वापस से डिलीट करूंगा। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे क्यू प्रेस करता हूँ, एंड देन आई मेक द मेमोरी। आप देखोगे यहाँ पे मेमोरी का टाइमिंग आ गया है। वी हैव दिस हॉट क्यू एंड देन वी इवन हैव दिस मेमोरी। ऑलराइट, क्लियर है? सो जब भी ओके आप हॉट क्यूज बनाओगे, तो आप मेमोरीज भी साथ में बनाएगा। क्या मैंने आपको इसके लिए पहले का एग्जांपल दिया था कि हॉट क्यूज और मेमोरीज में क्या डिफरेंस है? आइडिया तो मुझे नहीं आ ओके, रहा ठीक है। है, मैं आपको ओ वापस। कंसर्न पे ही बताया था आपने फर्स्ट टाइम। हाँ, सो मैं वही आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों जरूरी है जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको, कि जहाँ पे आप हॉट क्यू बना रहे हो वहां पे मेमोरी भी बना दो। व्हाई? बिकॉज मैं एक शो करने गया था कोलकाता गोल्ड मैरियट में। नाउ द पॉइंट वाज कि जब आप अपना प्रोफाइल किसको देते हो, तो वो प्रोफाइल में आपका टेक राइडर भी होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली टेक राइडर इज? टेक राइडर इज आप किसी दूसरे इवेंट बंदे वालों बंदों को बता रहे हो कि आप कौन से प्लेयर प्ले करने में कंफर्टेबल हो, आपके लिए कौन सा प्लेयर होना चाहिए उस इवेंट पे। सो वो एज पर योर डिमांड आपका साउंड सिस्टम और वो अरेंजमेंट करते हैं कि विनय इस प्लेयर पे ज्यादा कंफर्टेबल है, तो मुझे रेंट आउट ये करना है या ये प्लेयर लेना है, या वो बता देते हैं कि ये प्लेयर है हमारे क्लब में। ओके, सो मेरे उसमें नेक्सस 2 था और नेक्सस था। बदन जैसे मैं स्टूडेंट को, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनको मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जब भी आप कहीं पे शो करने जाओ, तो आप पहले साउंड चेक कर लो वहाँ पे 1-1.5 घंटा पहले, सो दैट आप जब वहाँ पे प्ले करने जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू विल बी मोर कंफर्टेबल रादर देन लास्ट मोमेंट में आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग। सो मेरा जो शो टाइम था वो 11:30 बजे तक का था, 12:30 रात को। ओके, एंड मैं ओके 8:30 बजे में शाम को वहां पे गया, तो मैंने देखा वहां पे 900 प्लेयर्स थे। नाउ 900 प्लेयर्स इज वेरी गुड। ओके, लेकिन उसके अंदर हॉट क्यूज नहीं है। उसके अंदर हॉट क्यूज नहीं है मतलब मैंने इतने सारे गाने जो मैं एडिक्टेड हूँ हॉट क्यूज में प्ले करने के, मैंने सब गानों में हॉट क्यूज बनाया था। एंड लेटर ऑन मैंने रियलाइज किया कि 900 में मैं अपना फास्ट जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको बताया कि भाई आपने 2000 नहीं रखा है, मैंने टेक राइटर में ऑलरेडी मेंशन किया था कि नेक्सस 2000 मुझे चाहिए था। तो उसने बोला मैं अरेंज करता हूँ लेकिन मैं फिक्स नहीं बता पाऊंगा। सो मैंने बोला ठीक है, बट देन आई हैड सम टाइम बिकॉज मैं 8:30 बजे गया था, तो मैं 9 बजे ऊपर अपने होटल में वापस से गया रूम में। जितने भी मेरे हॉट क्यूज थे उसको मैंने मेमोरीज बंद करा दिया, सो दैट 900 भी अगर करूंगा तो मेरे को फास्ट जगलिंग करने के लिए मुझे काम में आएगा। लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली मैंने एक अलग से उसके ऊपर मेहनत की उस समय पे, जो मैं कंफर्टेबल भी हाँ नहीं था उस समय पे। पर देन ठीक है, तो आप ये मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि हर बार आपको वो प्लेयर मिलेगा जिसमें हॉट क्यूज है। सो यू कैन इवन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मेमोरीज व्हेन यू मेक मेमोरी हॉट क्यूज। ओके, क्लियर है? ओके यस डन। सर सो नाउ द थिंग इज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना मेमोरीज यहाँ पे बना सकते हो। सो म्यूजिक जैसे ही हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था जब बार मिक्सिंग के बारे में, कि
there are multiplication of 4 bars, 8 bars, you know. Bollywood original में आप देखोगे तो 2 bar में भी है या किसके इसमें तो 1 bar भी नहीं है, but then still bar के हिसाब से ही music बनता है. So sometime what we need to do is, अगर आपको fast playing करना है तो आप 4-4 bar में या 8-8 bar में, अगर deep house है तो वो उसमें बहुत बड़ा intro होता है. जरूरी नहीं है कि आपको उतना बड़ा intro play करना है, 30 seconds का या 1 minute का, कौन से गानों में तो 1 minute तक का intro होता है. So, आपको राधा देन यू नो वो घड़ी घड़ी प्लेयर को स्किप करके 30 सेकंड आगे जाना या 15 सेकंड आगे जाना. सो मेमोरीज करना बहुत जरूरी है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्ले करता हूँ और मैं इसको बार गिनता हूँ कि कितने बार का है, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम मेकिंग मेमोरीज और हॉट क्यूज व्हेन आई एम परफॉर्मिंग. ये मैं अंदर करता हूँ. जितने भी डीजेस होते हैं उनकी एनर्जी या मेहनत है उनका घर पे होता है, ठीक है. 90% ऑफ द वर्क इज डन एट होम because they make their complete set and then they go to perform. जो वहाँ पे हम लोग देखते हैं वो उनका 10% होता है सिर्फ. Okay, clear है? So मैं अभी इसको play करने वाला हूँ और मैं इसको गिन के मैं देखूँगा कि मैं कितने fast मैं इसको बार बना सकता हूँ. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. तो इसका lyrics आ रहा है 2 bar में. So that's okay. 2 bar में मुझे एनर्जी बनाने की जरूरत नहीं है तो मैं अभी फिलहाल हॉट क्यू बना के रखता हूँ. या अगर मुझे ऐसा कोई हॉट क्यू का मेमोरी मेरे को चाहिए ताकि मैं को गाना बताए कि विनय दूसरा गाना रिलीज करने का ये सही समय है तो आप यहाँ पे मार्क कर दो, तो उसके हिसाब से मैं अपना मार्किंग कर सकता हूँ वहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे गाने के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि इंट्रो है, बिल्टअप है, मेन ड्रॉप है, देन ब्रेक डाउन है, ड्रॉप डाउन है, बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस आते हैं. तो आप जिस जगह पे मिक्स करते हो मोस्टली अगर ईडीएम है या डीप हाउस है तो आप मोस्टली मेन ड्रॉप पे आप अपना इंट्रो दूसरे गाने का छोड़ते हो, ठीक है. सो अगर आपको गाने अगर याद नहीं है तो आप इस स्ट्रक्चर से आप रेडी कर सकते हो हॉट क्यू को जहाँ पे आपने हॉट क्यूज बनाया. और आपको ये पता होना चाहिए कि ये हॉट क्यूज मुझे दूसरा गाना, ये जैसे हॉट क्यू आता है मुझे इस टाइम पे दूसरा गाना रिलीज करना है. सो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ये एक एक बनाया है, ठीक है. अब मेरे को ये गाना नवा है, मुझे मालूम नहीं था कि 2 bar के बाद में इसका वोकल स्टार्ट हो रहा है. सो व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पे रीनेम भी कर सकता हूँ. मैं इसको यहाँ पे कलर सेट और रीनेम कर सकता हूँ. 2 bars, ओके, 2 bars इंट्रो. खाली मैंने यहाँ पे 2 bars इंट्रो किया, ओके. सो मुझे यहाँ पे जब मैं लैपटॉप से प्ले करता हूँ या मैं जब लिखता भी हूँ तो वो ज्यादा अच्छी तरह से मेरे माइंड में जाता है. दैट्स द रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. 2 मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं लैपटॉप से परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, सो अगर देखिए मैं यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट मोड से परफॉर्मेंस में आया और मैंने ये परफॉर्मेंस के लिए मैंने काम किया तो मेरे को यहाँ पे हॉट क्यूज इधर ही दिखता है, लेफ्ट चैनल एंड द राइट चैनल, चैनल 1 एंड चैनल 2. सो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को दिखता है कि मेरे को ए हॉट क्यूज में 2 bar है सिर्फ इंट्रो के, तो मैं इतना ज्यादा वेट नहीं करूंगा, ओके. एंड अगर आप देखोगे तो इसका आप शॉर्टकट्स बना सकते हो. जैसे मैंने अपने हॉट क्यूज बना दिए इस सॉफ्टवेयर में, मेरे हॉट क्यूज जो है वो 1, 2, 3, 4 नंबर है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 1 किया, मैं अगर ये प्ले कर रहा हूँ 1, ओके. सो लेट मी एक्चुअली स्टार्ट विद दिस 1. तो मैंने ये 1 पे क्लिक किया, ठीक है. 1 1 1 1 1 1 1 1, ओके. सो दिस इज द हॉट क्यूज आई हैव डन इट, ओके. सो आप इसको अपने शॉर्ट कीज से आप यहां पे एडजस्ट कर सकते हो. इफ यू गो टू द सेटिंग यू हैव दिस कीबोर्ड शॉर्टकट, यहां पे आप डेक 1 के लिए आप अपने फेवरेट बटन्स अपने कीबोर्ड में आप सेट कर सकते हो इन केस इफ यू वांट टू प्ले और परफॉर्म थ्रू दिस. एंड ट्रस्ट मी मैं पूरा डीजे इसमें कर सकता हूँ. वाई? बिकॉज मेरे पास इसके पूरे डिटेलिंग्स है, हॉट क्यूज कहाँ पे इसको स्टॉप कैसे करना है, पॉज कब करना है, मेरे को फेडर कब ऊपर नीचे करना है, नीचे ऊपर. मैं फेडर को बटन के हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ. नाउ दिस कैन बी अ वेरी गुड टूल फॉर यू इन केस इफ यू हैव योर फैमिली फंक्शन एंड यू डोंट हैव एनी कंसोल, बट देन आप इसके थ्रू ही अब बड़े स्पीकर लगा के आप इस पे भी प्ले कर सकते हो इफ यू मास्टर दिस वेरी वेल. बिकॉज परफॉर्मेंस मोड तो आपको फ्री है 6 में भी और रिकॉर्ड बॉक्स 5 में भी, ठीक है. लेकिन आप जैसे ही किसी कंसोल पे अटैच करते हो तो वो आपको लाइसेंस मांगेगा. दो आई हैव माई लाइसेंस, दैट इज द रीजन आई डू माई वीडियो डीजिंग विद दिस.
बट देन आप घर पे इससे परफॉर्मेंस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेट. आप फॉर एग्जांपल अगर ये गाना है यहाँ पे, एंड आई जस्ट चेक इट आउट कौन सा गाना अवेलेबल है, बिकॉज जो ये रेड रेड डॉट दिख रहा है ना आपको, ये डॉट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये MP4 है. MP4 अभी मेरा वो हार्ड डिस्क कनेक्टेड नहीं है. मैं मोस्टली जब शो पे जाता हूँ तो मैं वो अपना हार्ड डिस्क एक्सटर्नल SSD हार्ड डिस्क जो है वो कनेक्ट करता हूँ. देन यहाँ पे जो इसके इनबोर्ड रहेंगे वो दिख जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स सी, दिस इज योर अगेन सेकेंड वन. ऑल राइट, सो दिस इज वन मोर. नाउ इसके अंदर भी मैंने हॉट क्यू बना के रखा है, सो इफ आई प्रेस 7 नंबर सो इट विल प्ले. ओके एंड व्हेन आई ओके आई कैन पॉज, व्हेन आई प्रेस M दैट मींस वो वापस से क्यू पॉइंट जो बना रहेगा वहां पे आ जाएगा. ओके, तो M एंड K है असाइंड द राइट चैनल, एंड Z एंड A आई हैव असाइंड माय लेफ्ट चैनल. लाइक मैं Z करूंगा, A करूंगा तो वो क्यू पॉइंट पे आएगा, Z प्ले करूंगा और A पे वहां पे आऊंगा. ओके, सो आई कैन इवन डिफाइन माय कीबोर्ड, माय स्ट्रक्चर. आप पूरा इसके अंदर डीजेइंग कर सकते हो. ठीक है, सो अभी हम लोग इसके ऊपर फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस मोड पे नहीं, हम लोग आज एक्सपोर्ट मोड पे करेंगे. ठीक है, एनी क्वेश्चन? अभी तक जो भी किया उसमें आपके कुछ सवाल है? सर अभी आपने जो पीछे परफॉर्मेंस भी किया था ठीक, तो आप जेड से प्ले करते हो, ए से पॉज, हाँ, जेड सॉरी से सॉरी ए से क्यू। लेफ्ट लेफ्ट चैनल. ओके, लेफ्ट चैनल जेड से प्ले होता है और ए से स्टॉप होता है, क्यू होता है. ठीक है, मतलब ओके मतलब नॉट वहां क्यू पे भी पॉइंट, आपको क्यू पॉइंट नहीं, स्टॉप. जहां पे आपने पहले क्यू पॉइंट बनाया होगा वहां पे बंद होगा ए प्रेस करने से. ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे है एक्सपोर्ट मोड में, तो मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ. ठीक है, ऐसे. बट देन अगर आपने परफॉर्मेंस मोड पे लिया, परफॉर्मेंस मोड पे मेरा जेड प्ले के लिए है, ए स्टॉप के लिए है, मतलब आप जहां पे भी क्यू पॉइंट करते हो, बनाते हो, तो वहां पे जाके रुक जाएगा अगर आपने ए प्रेस किया तो. राइट, ओके तो सर दिस मेरा ए इज क्वेश्चन योर ये क्यू पॉइंट, था, एज सून एज यू प्रेस इट विल प्ले, एज सून एज यू रिमूव योर फिंगर सो वो बंद हो जाएगा. ओके, एंड जेड इज ओके यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद दिस. ओके, एंड आई एम ओके प्रेसिंग द ए बटन अगेन. राइट साइड में। लिसन 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 माय बॉय, आपको आपके हिसाब से आप बटन्स लगा सकते हो. ठीक है, आप अच्छा यहाँ पे, नहीं, हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि वन टाइम पे हम दोनों एक साथ प्ले कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स प्ले कर सकते हो स्वीटहार्ट, आप सिंग भी कर क्योंकि सकते हो वर्चुअल उसको. ठीक है, देखिए में हाँ, कैसे, वर्चुअल डीजे में कैसे टाइप करना पड़ता है फिर प्ले करना पड़ता है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. इसलिए पूछा। तो आपको टैप करने की जरूरत नहीं. अभी फॉर एग्जांपल अगर ये है, ठीक है, ये किया. ओके, और मेरे को दूसरा गाना प्ले करना है, देखिए. सो यू कैन डेफिनेटली यस प्ले अ कंप्लीट सेट, ट्रस्ट मी. मैं इसके लिए बिल्कुल डाउटफुल नहीं हूँ, बिकॉज मैंने 3-4 शोज सक्सेसफुली विदाउट हैविंग अ मिक्सर, विदाउट हैविंग अ कंट्रोलर, मैंने सिर्फ लैपटॉप से परफॉर्म किया है, विच इज ऑलमोस्ट आई थिंक इट वॉज मोर देन 1 hour 40 minutes समवेयर. ओके, तो 100 minutes आई प्लेड विदाउट एनी कंट्रोलर, एंड इट वॉज अमेजिंग बिकॉज आई न्यू माई प्ले लिस्ट, आई न्यू माई ट्रैक्स, मुझे अपने गाने पता थे कहाँ पे रखे हैं, कौन से चाहिए मुझे. क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट बात ये है कि आप कलेक्शन में डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो, इनकेस इफ यू वॉन्ट टू सर्च देन इट विल शो यू डिटेल्स हियर. ओके, ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप ओके अपना यू हैव टू प्लेस इट ऑन द कलेक्शन. ऑलराइट, यू हैव टू प्लेस इट ऑन योर कलेक्शन. और अगर जिस प्ले लिस्ट में आप हो और उस प्ले लिस्ट में अगर आपने प्ले किया यहाँ पे, सो आप यहाँ पे कर सकते हो जो भी प्ले लिस्ट में है. ठीक है, ओके ऑलराइट, सो दिस इज दीज आर द ट्रैक्स आप अपने तरफ से बना सकते हो. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. नाउ द फर्स्ट थिंग इज लेट मी टेक यू बैक टू द एक्सपोर्ट मोड, व्हिच इज जो आज हमारा टॉपिक है. इट इज नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस मोड टुडे. ऑलराइट, सो आज हम लोग पेन ड्राइव में कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं. क्लियर है ना? ओके या ओके, सो डोंट वरी, आपको परफॉर्मेंस मोड भी मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ. ऑलराइट, सो पहले तो हम लोग को ये काम करना है कि हमें अपने गाने कैसे इंपोर्ट करने हैं, कैसे एक्सपोर्ट करने हैं, ये जानना है. और हमें
फिर यस सर, क्लास पे आके कैसे हम लोग वो पेन ड्राइव को यूज कर सकते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म ऑन योर ट्रैक. वाई? बिकॉज आप यहाँ पे मेरे कलेक्शन से आप प्रैक्टिस करोगे, और कल अगर कोई शो आया तो पेन ड्राइव तो मेरा है यहाँ पे एकेडमी का, आप वो यूज नहीं कर सकते. हाँ आपका कलेक्शन आप लेकर आओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज यू डोंट लर्न योर ट्रैक्स मोस्टली अनलेस एंड अनटिल आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो. तो अगर जब भी आप यहाँ पे अपने कलेक्शंस लेकर आते हो अपने पेन ड्राइव में, देन यू प्रैक्टिस ऑन योर ओन कलेक्शन, एंड जब भी आप शो करने जाते हो तो वहां पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बिकॉज वो प्लेइंग तो आप ऑलरेडी कर रहे थे. ठीक है, सो दैट्स अगेन यस वन मोर बेनिफिट. सो लेट्स स्टार्ट विद थिंग. अभी आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है? नहीं, अभी इम्पोर्ट इम्पोर्ट ही करना। ओके, ठीक है. सो अभी हम लोग एक्सपोर्ट पे बात कर रहे हैं, आप इम्पोर्ट का माइक फिलहाल बंद करो, क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा आपके लिए. हॉट क्यूज बनाना, मेमोरीज बनाना, ये पहले इनिशियल लेवल पे होता है. ठीक है, ओके या परफॉर्मेंस मोड में आपके परफॉर्मेंस कब होंगे, जब ऑलरेडी आपके गाने हॉट क्यूज वगैरह बने हुए हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्लेइंग देयर फास्ट. ओके, सो इनिशियल लेवल ओके पे ये है कि आपको पहले अपने कलेक्शन को कैसे इंपोर्ट करना है, उसके अंदर हॉट क्यूज कैसे बनाने हैं, ये मैटर करता है बहुत. क्लियर है? यस सर ऑलराइट, लवली. ओके, सो अब मैं अभी आगे जा रहा हूँ इस चीज पे कि यहाँ पे 8 हॉट क्यूज है, ये आपको समझ में आया. ठीक है, दूसरा यस ब्यूटी सर ये है कि आप अपने लूप बना सकते हो हॉट क्यूज में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है, ये 1.4. सो अगर मैंने यहाँ यस पे भी सर 1.4 किया और यहाँ पे एक बार लिया, फॉर एग्जाम्पल ये एक बार लिया मैंने, ओके, और ओके मैं इस बार को मैं हॉट क्यू ले रहा हूँ. ओके, सो ये बार देखो यहाँ पे ऑरेंज हुआ है. ठीक है, मैं अभी इसको रिलीज कर रहा हूँ, मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ यहाँ से, लेकिन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो वापस से वो लूप स्टार्ट करेगा और उतना ही लूप प्ले करेगा. ऑलराइट, बहुत सारे डीजेस यस सर जिन्होंने ट्रांजिशंस अच्छे किए हैं, बेहतरीन किए हैं, वो हॉट क्यूज को लूप करके उन्होंने परफॉर्मेंस किया है प्रॉपरली. सो दिस इज जस्ट द वन स्टेप वेयर यू कैन इवन स्टार्ट योर हॉट क्यूज, ओके, विद यूजिंग लूप. ओके ऑलराइट, सो मैं इसको अभी यहाँ से निकाल रहा हूँ. आप लूप को यहाँ पे हाफ और उसको डबल कर सकते हो. ठीक है, डबल एंड हाफ. ऑलराइट, क्लियर है? यस सो सर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने हॉट क्यूज बना के रखिए और उसी जगह पे आप अपना मेमोरीज भी बना सकते हो. ओके, सो हॉट क्यूज यस यहाँ पे यू कैन इवन मेक योर मेमोरीज, एंड मेमोरीज को भी आप लूप में बना सकते हो. सेकेंड पॉइंट, ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास टाइमिंग वगैरह है, आपको पता चल जाता है कि कौन सी जगह पे कहाँ पे क्या चल रहा है. ठीक है, सो ये यस परफॉर्मेंस मोड में भी आपको काम में आएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्टफ, जिसके लिए हम लोगों ने रिकॉर्ड बॉक्स आज सीखने की बात की है. आज आपको इम्पोर्ट कैसे करना है. सो अगर आप एकदम फ्रेश हो रिकॉर्ड बॉक्स के लिए और आपको नहीं पता कि रिकॉर्ड बॉक्स में क्या क्या है, तो आप यहाँ पे आपको ये कुछ बेसिक सैंपल्स मिल जाएंगे. ठीक है, उसमें हाँ कुछ सर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आप यहाँ पे अपना प्लेलिस्ट बना सकते हो. मेरे प्लेलिस्ट आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि बहुत सारे हैं, फोल्डर्स हैं, इतने सारे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है. आपने एकेडमी के पेन ड्राइव में भी देखा होगा, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं. सो ये क्यों यस जरूरत सर पड़ता है, ये मैटर करता है बहुत सारा. ठीक है, सो सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास कोई प्लेलिस्ट नहीं है तो कैसे क्रिएट करना है. सो यू कैन स्टार्ट, यू कैन राइट क्लिक हियर एंड क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट. ओके, दिख रहा है? प्लेलिस्ट या राइट यू क्लिक क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट, एंड जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक एम्प्टी प्लेलिस्ट मिल जाएगा विच इज अनटाइटल्ड. यू नीड टू गिव द टाइटल. पहले हम एक काम करते हैं, हम लोग ऑल बॉलीवुड ट्रैक फॉर एग्जाम्पल, ऑल बॉलीवुड ट्रैक डालते हैं यहाँ पे, या ऑल मिक्स ट्रैक फॉर एग्जाम्पल, ऑल मिक्स ट्रैक फॉर क्लास. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया. नाउ इफ यू सी, ये फोल्डर पूरा ब्लैंक है. ठीक है, ऐसा दिख रहा है? यहाँ पे आपको कुछ भी चीजें नहीं दिखाई गई है और ना ही उसके अंदर आपने कोई इंपोर्ट किया है. सो मैं अभी इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ. ओके, और मैं कोई गाने ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे खुद के विस्किट ट्रैक्स ले लेते हैं. ठीक है, सो ये सब ट्रैक लेता हूँ मैं यहाँ पे. राइट, और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ऐसे
ड्रैग करके मैं यहाँ पे पुश किया और मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया। सो देखिए यहाँ पे ये एनालाइज कर रहा है, इफ यू सी एवरीथिंग इज गेटिंग एनालाइज्ड। रिकॉर्ड बॉक्स क्या करता है, वो अपना एक पूरा एक फोल्डर बनाता है उस गाने का, ताकि जब आप अपने पेन ड्राइव लगाते हो जिसमें आपने ऑलरेडी प्लेलिस्ट इंपोर्ट किया है, तो आपको पता है कि आप उसको अल्फाबेटिकली लगा सकते हो, उसको बीपीएम वाइज लगा सकते हो, नंबर वाइज लगा सकते हो, हर चीज का एल्बम वाइज, आर्टिस्ट वाइज। बट देन ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ये हर गाने को ट्रैक करके उसका पूरा डिटेल्स लेके एक पर्टिकुलर फोल्डर लगाता है। आप अगर ये पेन ड्राइव जिसमें आपने सिर्फ रिकॉर्ड बॉक्स वाले गाने वो पेन ड्राइव में डाले हैं और आप नॉर्मल पीसी में या लैपटॉप में खोलोगे, तो आपको वो फोल्डर या गाने नहीं दिखेंगे, बिकॉज वो प्लेलिस्ट के अंदर है। आपको बहुत सारा क्लिक क्लिक करके आपको एक एक करके जाना पड़ेगा, विच इज अ मेस। सो आपको वो सब गाने आपको ऐसे मिलेंगे नहीं अगर वो सिर्फ फोल्डर नहीं है तो, अगर प्लेलिस्ट में तो आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है। सो लेट्स सी अब यहाँ पे क्या हुआ। अब मेरे पास यहाँ पे ये गाना है, ठीक है, मैं इसको लेके, या प्लीज बोलिए। यहाँ पे एनालाइज सेटिंग है तो कहाँ पे, हाँ एनालाइज सेटिंग आप पहली बार कर रहे हो ना, तो 75/180 है ना, कितना है, 68/135। वो 68/135, दूसरा कौन सा है, 70/180। हाँ 70/180 कीजिए। ओके ओके, सो ये एक्सट्रीम लेवल है दोनों। ओके ओके कर दूं, हाँ ओके कर दो। आप वहाँ पे की को भी क्लिक कर सकते हो, अगर कीज वहाँ पे ब्रैकेट, ऑल सिलेक्टेड है, हाँ वहाँ पे भी की को भी कर सकते हो आप। नीचे थर्ड ऑप्शन कौन सा है जिसको नहीं किया है क्लिक, वोकल, हाँ नहीं नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ओके, ठीक है ओके कर दो। ऑलराइट लवली। सो अभी आपके पास यहाँ पे प्लेलिस्ट आया है, सब एनालाइज हो रहा है, या हाँ यस सर, वो एनालाइज हो रहा है, हो गए एक दो दो, लवली, ठीक है। सो एक एक करके वो सब हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आप इसके थ्रू, फॉर एग्जांपल अभी मेरे सामने यहाँ पे करीबन 13 गाने हैं, कितने हैं, 13 13 सॉन्ग, लेकिन इन सब का जो जॉनरा है वो अलग अलग है। दो ये सब मेरे मिक्सेस है, ठीक है, लेकिन सेम जात के नहीं है, सेम एनर्जी के नहीं है। आप अगर देखोगे बीपीएम 108 वाला है, कोई 90 है, कोई 106 है, कोई 130 है, कोई 80 है, कोई 108 है। सो आप देखिए पूरा एनर्जी ऊपर नीचे है, तो इसको आप एनर्जी वाइज लगा सकते हो। नाउ लिसन टू दिस, आप देख रहे हो इसको अभी अच्छी तरह से, आप देख रहे हो ना, ओम, हाँ सर देख रहा हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे इसको अगर मैं डबल क्लिक किया, ठीक है, सो आप देखोगे ये रोमांटिक मिक्स है, ओके सो ये रोमांटिक गाना है, ये मैं क्लब में तो जब लोग डांस कर रहे हैं उस समय तो मैं नहीं लगा सकता, राइट तो ये कब कब लगा सकता हूँ मैं, जब मे बी इट्स अ वैलेंटाइन डे, और मे बी शो खत्म होने के बाद जब सब थक गए हैं, बहुत हाइपर पिच पे चला गया, अब मुझे थोड़ा सा उनको क्लोज डाउन सेट पे मुझे खाली ये लगाना है, या मे बी आई एम जस्ट पुटिंग इट नॉर्मली when I start my set, you know, it's just the romantic and then I go too deep and then, you know, that way, future house and all those things. Okay. Yeah, right? So, मैं इसको right click करके, मैं इसको अपने दूसरे playlist में डालूंगा जो है romantic. So, these are romantic originals. Now, this is not an original. So, आप इसको romantic इसमें डाल सकते हो अगर यहाँ पे कोई है तो. Let me actually check where is the romantic English, new playlist, Vicky, original hip hop, practice, Bollywood, Fado, hard style. Then you have commercial mixes. So Vinay mixes. This is also Vinay mixes. So मैं उसके अंदर already डाल रहा हूँ ये.
ठीक है, क्योंकि मेरे को ये ब्राउज करने के लिए ज्यादा काम में आएगा, बिकॉज मेरे को पता है मेरे मिक्सेस कहाँ है, तो इमीडिएटली मैं अपने फोल्डर में जा सकता हूँ और वहां पे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। देन यू हैव दिस चिप डायनामा, ओके, इसको प्ले करते हैं। तो ये गाने में एनर्जी ज्यादा है लेकिन डाउन टेम्पो पे है, तो ये एक तो ओरिजिनल नहीं है, सेकंड ये रेट्रो है। ठीक है, चिनम्मा इज अ रेट्रो ट्रैक एंड दिस इज अ रीमिक्स, ओके, एंड इट हैज ओरिजिनल, ये एक एनर्जी है, टॉर्क एनर्जी है। सो व्हाट आई कैन डू इज ओके तो राइट क्लिक करके मैं दूसरे प्लेलिस्ट में लेके जा सकता हूँ जहाँ पे टॉर्क है। यहाँ पे दिख रहा है पाडू रेट्रो मिक्सेस, सो दैट्स यस सर, माई रेट्रो मिक्सेस, सो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सेकेंड आई कैन इवन एड दिस इन माई ओन फोल्डर, विनय, वेर इज विनय मिक्सेस, ओके, आई कैन इवन एड दिस देयर, राइट। देन यू हैव दिल से, दिल से इज ऑल्सो अ रेट्रो एंड एनर्जी देखते हैं इसका। सो दिस इज ऑल्सो डाउन टेम्पो अगेन 106, जो ट्वर्क मिक्सेस में ज़्यादा अच्छी तरह से जाता है। सो अगेन मैं इसको रेट्रो में भी डालने वाला हूँ और ट्वर्क मिक्सेस में भी डालने वाला हूँ। ऐड टू प्लेलिस्ट, आई इवन हैव अ ट्वर्क मिक्स हियर, लेट मी चेक, सी बेस्ट ऑफ डाउन टेम्पो, DT मीन्स डाउन टेम्पो ट्वर्क, एंड देन ओके आई इवन हैव माई ओन मिक्सेस, मैं उस अपने फोल्डर में भी डाल सकता हूँ, विनय मिक्सेस इज वेयर, विनय मिक्सेस, एंड देन आई कैन इवन पुट इट ऑन रेट्रो रिमिक्सेस, सो दिस इज माई रेट्रो रिमिक्सेस, ओके। तो ना दिस इज अगेन, यस देर आर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट, यू नीड टू एक्चुअली लर्न योर ट्रैक्स एंड यू नीड टू बाइफर्केट इन टू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सब गाने ऑल मिक्स ट्रैक फॉर क्लास में डाला, ठीक है, सो आप ये एक फोल्डर भी बना सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे जाके एक फोल्डर बनाइए, क्रिएट न्यू फोल्डर, और यहाँ पे आप एक फोल्डर का आप नाम दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड, ओके, बॉलीवुड, ओके, आपने बॉलीवुड डाल दिया। अब बॉलीवुड में क्या क्या चीजें आती है, अब मैं यहाँ पे ऐड प्लेलिस्ट, क्रिएट प्लेलिस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे समझो ओरिजिनल ओरिजिनल बॉलीवुड बॉली, ओके, ये एक ट्रैक कर बना दिया। फिर मैंने दूसरा एक और बनाया, क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट, आई इवन मेड इट रीमिक्सेस, ओके, बॉलीवुड रीमिक्सेस, रीमिक्सेस बॉली, ओके, एंड देन आई इवन मेड, ओके मैं एक और यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट, एंड देन आई मेक इट एज रेट्रो बॉलीवुड, रेट्रो ओरिजिनल बॉली, ओके, देन आई इवन मेक वन मोर, क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट, देन आई मेक इट रेट्रो रिमिक्सेस, रेट्रो रिमिक्सेस, ओके। सो आप यहाँ पे रेट्रो रिमिक्सेस डाल सकते हो। अब तो बॉलीवुड में कौन से चीजें हैं, लाइक अलग अलग स्टाइल रेट्रो में, अब बॉलीवुड में हिप हॉप बीट्स भी है, राघव वगैरह के, कम हाँ टू मी एंड ऑल दोस ट्रैक्स, ओके, सो वो भी सब हिप हॉप भी है उसके अंदर, तो यू कैन इवन ऐड अ फोल्डर प्लेलिस्ट उसके हिसाब से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे, सो आई हैव अ प्लेलिस्ट व्हिच इज बॉलीवुड हिप हॉप, यू हैव ऑल दीज ब्लू आईज स्केचर्स, ये सब अलग अलग रखा है मैंने, बट देन इसका मेन जो बॉलीवुड वगैरह का है मेरे पास यहाँ पे होगा, क्योंकि वेयर इज माई बॉलीवुड हिप हॉप, ओके, सो ये सब हिप हॉप बॉलीवुड है, कभी यार कभी पार, ब्लू आईज, टोया टोया, रॉक द पार्टी, सो दीज आर ऑल माई हिप हॉप स्टाइल, ऑलराइट। सो नाउ यू हैव टू डिफाइन योर सेम जॉनरा, क्योंकि ओरिजिनल बॉलीवुड में भी एक अलग टेक्सचर है, कोई पंजाबी स्टाइल में है, लाइक ऊंची है बिल्डिंग, देन नशे दी चढ़ गई है, ये सब गाने जो होते हैं ये बॉलीवुड ओरिजिनल ज्यादा साउंड करते हैं, ठीक है, तो चीज है बड़ी मस्त मस्त एंड ऑल दोस थिंग्स, सो वो रेट्रोज में भी आपके ओरिजिनल्स आते हैं और रिमिक्सेस भी आते हैं, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस राइट नाउ? ऐसा नो सो जैसे ही आप अपना पूरा मिक्स बैग, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे ऑल मिक्स ट्रैक फॉर क्लास, सो इसके अंदर आप चाहिए तो सब गाने अपने जितने भी है ना सब एनालाइज कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद में
जैसे ही आप कोई ट्रैक लेते हो कि अरे ये इंट्रो थीम था, इसके लिए मुझे एक रोमांटिक फोल्डर होना चाहिए, देन यू कैन क्रिएट बॉलीवुड रोमांटिक, क्रिएट न्यू रोमांटिक बॉलीवुड, रोमांटिक बॉली ओरिजिनल, एंड देन यू कैन इवन क्रिएट वन मोर, क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट, रोमांटिक रोमांटिक बॉली मिक्सेस, ओके। सो यहाँ पे आपने एक बॉलीवुड मिक्सेस बना दिया। सो अलग अलग आप जैसे गानों पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से गाने का है, ठीक है, ये रोमांटिक में आता है सनम तेरी कसम, बट इट इज ऑल्सो रेट्रो रिमिक्स में भी आ रहा है ये, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि एग्जैक्टली कौन से गाने हैं। तो मैंने ये सनम तेरी कसम है, ये एक रोमांटिक है, बॉलीवुड मिक्स है, तो रोमांटिक बॉलीवुड डाल सकते हो, रोमांटिक बॉलीवुड आप इसमें भी रेट्रो रिमिक्सेस में डाल सकते हो, रेट्रो मिक्सेस में उसमें भी डाल सकते हो। सो यू हैव टू डिफाइन, अगर इंग्लिश गाना है तो कहाँ से जाना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी आपको 10 मिनट सिर्फ सलमान खान के लिए प्ले करना हो, तो स्वैग से स्वागत आप 2-3 प्लेलिस्ट में डाल सकते हो। ये एनर्जी ये वेस्ट नहीं करेगा, मतलब आपने अगर ये ट्रैक को 3-4 प्लेलिस्ट में भी डाला ना, तो ये खाली लिंक लेने वाला है जो आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप पे है, ठीक है। सो लिंक लेने वाला है, ये इतना स्पेस नहीं लेगा, भले आप एक गाना 10 फोल्डर में डाल दो प्लेलिस्ट में, सो इट वोंट टेक स्पेस। सो ध्यान रखिएगा, आप स्वागत में स्वागत एक तो सलमान खान हिट है, आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। देन यू हैव सलमान खान के हिसाब से अगर स्वागत से स्वागत किया तो ये ट्वर्क में भी जाता है, रिमिक्स भी है, ठीक है। देखिए ओके, सो ये ट्वर्क में भी जाता है, रिमिक्स भी है, बॉलीवुड रिमिक्स भी है, प्लस सलमान खान भी है। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से कैरेक्टर को कहाँ पे करना है। बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन हिट्स मांगते हैं कि अगर रेट्रोज आप गा रहे हो तो आपको अमिताभ बच्चन का एक सेट लगा सकते हो। बहुत सारे लोग शाहरुख खान के बहुत फैन है, उसके लिए 10 मिनट आप सेट पे प्ले कर सकते हो। सो देर आर मेनी 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 वेज ऑफ बाइफर्केटिंग योर ट्रैक्स। ये क्यों है, पहली बात को ये समझिए कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है रिकॉर्ड बॉक्स से। रिकॉर्ड बॉक्स से फ़ायदा ये हो रहा है कि आप अपनी प्लेलिस्ट बना के उसके अंदर आप हॉट क्यूज बना सकते हो, उसके अंदर आप क्यू पॉइंट बना सकते हो, आपको पूरा ग्राफ दिख जाता है, BPM इमीडिएटली दिख जाता है, आप शॉर्ट कर सकते हो आर्टिस्ट वाइज, BPM वाइज, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हियर। सो अभी आपके पास इस समय पे क्या क्या सवाल है वो बताइए, जो मैंने अभी आपको बताया। क्या आप बहुत क्लियर हो कैसे गाने इम्पोर्ट करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं, हॉट क्यूज बनाने हैं, एंड अगर आपको कोई प्लेलिस्ट में उसको ट्रांसफर करना है तो कैसे करना है, ठीक है। यस सर, ध्यान में रखना एक बहुत जरूरी बात, अगर आपने कोई पेन ड्राइव लगाया हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पेन ड्राइव लगाया हो, ठीक है, सो वो पेन ड्राइव आपको यहाँ पे दिखेगी, एक ऐसे पेन ड्राइव दिखेगी। मैं अभी ये पेन ड्राइव लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, I'm just trying to put this pen drive. हाँ सर, मुझे यहाँ पे devices में, तो devices में आपने right side में आपको eject button दिखेगा, वही line में दिखे जहाँ पे आपका drive है ना, हाँ वहाँ पे eject है ना, वहां से आप उसको eject कीजिएगा, ठीक है, directly ऐसे नहीं निकालिएगा without eject के, नहीं तो वो अच्छा नहीं होगा pen drive के लिए या life के लिए उसके, alright? अच्छा, ठीक है। So any questions? No, sir.